मेरा नाम समीना रानी है और मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स की, और मैं साथ में एक बिज़नेस चला रही हूँ जिसका नाम है तुलतोप प्राइवेट लिमिटेड, और जहाँ पे हम लोग ये अर्ज़ुक और शिरिक बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो ये आइडिया मेरा स्टार्ट हुआ तकरीबन दो तीन साल पहले ये इस आइडिया पे हमने काम किया। इनिशियली जब मैं स्टडीज़ कर रही थी इस्लामाबाद में जब थी, तब मेरे भाई ने मुझसे शेयर किया कि इस तरह से एक प्रोडक्ट है जिसको कमर्शलाइज़ किया जा सकता है। तो तब मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मैं अपने स्टडीज़ को ब्रेक कर दूं और इस आइडिया पे फौरन ही काम स्टार्ट कर दूं। तो मैंने एक साल तक अपनी स्टडीज़ को ब्रेक कर दी और आके मैंने यहाँ पे एक फैक्ट्री स्टार्ट ली, जहाँ पर हमारे पास तकरीबन 15 से 20 खवातीन। हमने जब ये कारोबार स्टार्ट किया तो बिल्कुल ही हमारे पास कुछ नहीं था। हमने घर से अपने घर की किचन के चूल्हे से हमने स्टार्ट किया। इनिशियली जब मेरे भाई और मेरे भाभी ने घर से स्टार्ट लिया, तब मेरे भाई जब ऑफिस चले जाते थे तो अपने बाइक पे ये थोड़ा सा क्वांटिटी में शिरक और अर्ज़ुक लेके चलते थे। तब मैंने अपने बाइक की ये एक्टिविटी देख के मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इसको बड़े पैमाने पे लेकर आ जाऊं। इसीलिए मैंने अपनी स्टडीज़ को भी एक साल के लिए मैंने ब्रेक किया और बिल्कुल ही फॉर्मल तरीके से हमने ये काम स्टार्ट किया। मेरे दो भाई और मेरे हस्बैंड भी इसमें काम कर रहे हैं, और साथ में हमारे मोहल्ले के बहुत सारे खवातीन, 15 से 20 खवातीन इस वक्त मेरे पास काम कर रही हैं और शिफ्ट्स में काम कर रही है। जब हमारे सीज़न में काम होता है तब तकरीबन 15 से 20 से 25 खवातीन यहाँ पे काम करती हैं। और इसके अलावा जब हमने स्टार्ट लिया, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनिशियली हमें पास जगह ही नहीं थी, हमारे अपने घर में किचन में ये काम स्टार्ट किया। फिर होते होते अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-3 साल बाद हमने एक फैक्ट्री की शक्ल दे दी, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन डेली बेस पे तकरीबन 300-400 मंथ तक की हमारी आटे प्रोडक्शन में चली जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी गिलगित में ये हमारी प्रोडक्ट कमर्शलाइज हुई। आगे के हमारे टारगेट्स, हमारे विजन ये है कि हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं देसी, जो हमारे जैसे कि फिटी है, छुपट्टी या शिरिक है, इसको पूरे मतलब दुनिया में हम लेके, हमारी एम्बिशन तो ये है कि हम पूरे वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि ब्रेड है, एक ब्रेड एक जगह से स्टार्ट हुई, इसी तरह हमारे ये अर्ज़ुक भी इंशाल्लाह अगले चंद सालों में अगर हम गवर्नमेंट और दूसरे इदारे हमारे सपोर्ट करें, हमारे साथ दें, हमें फंडिंग्स प्रोवाइड करें, तो हम इसको पूरे वर्ल्ड में नेशनलाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगले 2-3 साल की टारगेट ये है कि कम से कम 200 ख्वातीन तक हम जॉब्स प्रोवाइड करें, उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, उनको खुद मुख्तार बना दें। मेरी सोच ये थी कि मैं हाथ फैलाने वालों में से कभी ना बनूं और मैं हाथ थामने वालों में से बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मेरी स्टडीज़ अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक 15 से 20 ख्वातीन को रोज़गार दी है। ख़ास तौर पर ये मैनेजमेंट साइंसेस के जितने भी MBAs हमारे हैं, उनको ये मैं एडवाइस दे दूँ कि वो एक नया आइडिया लेके अपने बिहाफ पे कुछ कर दें, ना कि जाके किसी इंस्टीट्यूट में जॉब्स लेने के चक्करों में CVs लेके दर दर ठोकरें खाएं। इससे बेहतर ये है कि आप अपने बिहाफ पे कुछ कर दें। मेरी मैसेज स्टूडेंट्स के लिए या यंग यूथ के लिए मेरी मैसेज ये है कि वो अपने आप को बॉन्ड ना कर दे, अपने आप को गवर्नमेंट या NGOs पे डिपेंड ना कर दे, अपने लिए रोज़गार खुद बनाए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए।
हमारी एम्बिशन ये है कि हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के, हमारे इलाके के लोगों, ख्वातीन को एक बाइज्जत रोज़गार दे दे, उनको खुद मुख्तार बना दे, ताकि वो अपने ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। Bas, bas, bas. Elbette mi bizde, elbette mi? Bak, elbette mi?